जी नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु। आज मैं आपको मोतियाबिंद के बारे में, जिसको कैटरेक्ट हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कैटरेक्ट होता क्या है। ये हमारे आँख का एक मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे आगे में जो आपको दिख रहा है इसे हमें कॉर्निया बोलते हैं, और इसके पीछे में आयरिस होता है, और उसके पीछे में लेंस होता है, लेंस के पीछे में रेटिना होता है, और यहाँ पे नस होती है। लेंस का काम होता है कि ये जो लाइट यहाँ से जा रहा है उसको रेटिना पे फोकस करना, और रेटिना जो है नस की मदद से उस लाइट जो फोकस हुआ उस सिग्नल को ब्रेन में भेजती है, जिससे कि आप कोई चीज को देख। अब जैसे ये देखिए, ये हमारे आंख का लेंस है, बिल्कुल क्लियर होता है। क्लियर होता है इसीलिए इससे जो लाइट जाती है वो बहुत साफ सुथरी आंख पे पहुंचती है, और हम लोग उसको कोई भी चीज को साफ साफ देख पाते हैं। अब ये लेंस जो है उम्र के साथ, जैसे बाल सफेद होता है या ग्रे होता है, उसी तरह से इस लेंस का कलर चेंज होता है और ये ओपेक हो जाता है इस तरह का। अब ओपेक हो जाने के कारण इससे लाइट पास नहीं करेगा और आपको देखने में दिक्कत होगी। इसी बीमारी को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट बहुत तरह के होते हैं। किसी को कैटरेक्ट जन्म से ही हो सकता है, किसी को उम्र के साथ हो सकता है, किसी को चोट लगने से होता है, बहुत सारे कारण से हो सकता है। और कैटरेक्ट का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि जैसे जैसे कैटरेक्ट बढ़ेगा आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी। शुरुआत में कैटरेक्ट में पता नहीं चलता है, चश्मा का नंबर बदलता है और फिर आपको ठीक दिखने लगता है, तो आपको सारा काम आपका ठीक ठाक चलते रहता है। लेकिन जैसे ही कैटरेक्ट बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, लेंस आपका ओपेक होने लगेगा, तो आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी। फिर चश्मे के नंबर बदलने से भी साफ साफ नहीं दिखेगा आपको। और कुछ कैटरेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि रोशनी ज्यादा नहीं घटती है, लेकिन लाइट इतना ज्यादा स्कैटर होता है कि आपको कोई भी लाइट इतना ज्यादा स्कैटर होगा कि जैसे शाम में जब आप रोड पे निकलेंगे तो जो लाइट आती है वो बहुत ज्यादा चमकेगी और आपको देखने में बहुत दिक्कत होगा। आप ड्राइव नहीं कर पाइएगा या शाम में चल नहीं पाइएगा, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप जैसा समझे कि लेंस जब क्लियर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंस जैसे ही उसमें कोई तरह का ओपेसिटी आने लग जाती है तो उसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में जब कैटरेक्ट होता है तो हम लोग उसको चश्मा बदल लेते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब चश्मा बदलने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे केस में आपके जो डॉक्टर है वो आपको सर्जरी का एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो लेंस ओपेक हो गया है उसे हमें निकाल के एक क्लियर लेंस उसमें लगा देना होगा। यही इसका इलाज है।